सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल, हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ, हर खबर पर है पैनी नजर, खबर होगी वही जो करेगी आपको सबसे रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। बहराइच शहर में पुलिस बनकर एक व्यापारी के तलाशी के दौरान 1.5 लाख रुपए की ठप्पेबाजी और राहजनी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसके तहत पुलिस द्वारा किसी किस्म की कोई कार्रवाई न किए जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। भी इसी तरीके से एक और घटना बाजार में ही घटित हुई थी, जिसमें एक युवक से 50,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ठप्पेबाजी की गई थी। उसमें भी पुलिस अभी तक किसी किस्म की कोई भी बरामदगी या सुराग लगाने में असफल साबित हुई है। शहर में हो रही इस तरीके की घटनाओं से लोगों में असुरक्षा का माहौल है और पुलिस के प्रति उनका आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। नाम क्या है? असमत अली। क्या हुआ? हम जा रहे थे रोडवेज फैजाबाद के लिए और हम वहाँ से रिक्शे से बैठे घर से और यहाँ समैया वाल के पास दो आदमी थे पल्सर से, उन्हें रोका गया, कई इतनी जैसे आवाज़ दे रहे हैं सुन नहीं रहे हो, तो हम काम ध्यान में नहीं दिए, तो कई साहब बैग चेक करेंगे आपका, तो हमने बैग चेक करवा दिया, उसमें थे 1.5 लाख रुपये, 200 की 5 गड्डी थी, 50,000 की गड्डी थी। उन्होंने बैग चेक किया, बैग हमको पकड़ा दिया, हमको शक हुआ, हम रिक्शे पर बैठे तो बैग हमको हल्का लगा, तो हम तुरंत फिर रक्षा मंगवाया, यही थी रक्षा मंगवा लिया। उसके बाद में हम गए तो वो निकल चुके थे, तो हम चौकी गए थे वहाँ घंटाघर चौकी, वहाँ कोई मिला नहीं। 112 नंबर हमने डायल किया, वो लग नहीं रहा था और लगा तो उठा नहीं, बड़ी देर के बाद उठा हुआ। इस चीज़ को हमको बताया गया कि जो ना वहाँ घंटाघर चौकी पर कहा गया कि जाइए आप रोडवेज चौकी, वहाँ गए तो वहाँ सब सन्नाटा पड़ा हुआ था। उसके बाद सिटी कोतवाली बुला रहे थे, वहाँ भी हम जा रहे थे, तो वहाँ से फिर फोन आया कि अब यहाँ आइए, तो हम यहाँ चले आए।